इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्ट्रेट लाइन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू वन। मतलब अगर पी हमारे पास क्या है, एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर जिसका लेंथ है पी, एंड ए स्क्वायर पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर इन ए पी। अगर ए स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए पी में है देन सो डैट ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर इक्वल टू जीरो। तो हमें प्रूफ करना है ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो एक्स अपॉन में प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू वन, ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू वन, और ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो आपको पता होगा इस तरीके से बनती है, ये जिसमें ए डिस्टेंस होता है, ये बी डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग ए और बी इंटरसेप्ट, एक्स और वाई इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं ए और बी को। ठीक है, तो ये हमारे पास है ओरिजिन, ओरिजिन से जो यहाँ तक का परपेंडिकुलर लेंथ है वो हमारे पास कितना दे रखा है, इसने पी दे रखा है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए बी और पी में रिलेशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगर एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन, उसका डिस्टेंस एक लाइन से है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो इसका डिस्टेंस बराबर होता है ए एक्स वन प्लस का बी वाई वन प्लस का सी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले इस लाइन को हम लोग इस लाइन के फॉर्मेट में लेके आएंगे ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कैसे लिखेंगे इसको, वन अपॉन में ए इंटू में एक्स प्लस वन अपॉन में बी इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब लिखेंगे सिंस पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे P तो आ गया, डिस्टेंस की जगह पे P आ गया। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, पूरी इक्वेशन को लिखेंगे और यहाँ पे X और Y की जगह पे पॉइंट X1 Y1 मतलब ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है जीरो जीरो, तो वन अपॉन में A X की जगह जीरो आएगा प्लस वन अपॉन B Y की जगह जीरो माइनस वन अपॉन में रूट में वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर, क्योंकि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होगा ना डिवाइड में, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये आ गया P इज इक्वल टू जीरो इंटू में ओके खत्म हो गया, माइनस वन का मोड, माइनस वन का मोड हो गया प्लस वन अपॉन में रूट में आ गया वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन में वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे आप इसको लिख सकते हैं वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन में पी स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्रूफ करने के लिए आता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन में। फिलहाल इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन में पी स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो इसने क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर इन ए पी, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर इन ए पी, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो तो आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में टू, टू पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट तो ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर इज इक्वल टू आ गया जीरो। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है,